हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके क्या इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल ए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स आपको बता दें, हमने यहाँ पर दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम आपके करीबन 13 स्टेट को कवर कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ हो जाती है ज़्यादा, इसलिए हमने एक वीडियो में कवर नहीं किया। फ्रेंड्स आपके जितने भी यहाँ पर जो स्टेट बचते हैं, राज्य बचते हैं, हम उन सबको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपको वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा क्या घंटी का निशान, उसको भी दबा दें। इससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो आ रही हो पसंद तो उसको लाइक और शेयर अवश्य से जरूर कर दें, है ना फ्रेंड्स। और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, गुड न्यूज़, खुशखबरी। दोस्तों गुड न्यूज़ यही है कि आपके यहाँ पर आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, पढ़ाई की स्टडी की कमी को देखते हुए, दोस्तों आपका जो यूआर एग्जाम स्टडी ऑफलाइन कोचिंग चलती थी वो ऑनलाइन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसी का है चैनल है यूआर एग्जाम गोली। फ्रेंड्स आपको बता दें, जल्दी यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी जो कि आपकी पूरी तैयारी करवाएगी। आपके नेक्स्ट बैच की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपका सिलेक्शन डन हो जाए। फ्रेंड्स हमारे यहाँ से हर एक साल आपके जो जो बैच होते हैं, हर एक बार 5 से 6, 10 से आपके ऐसे लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हर एक चीज को डिस्कस। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके इंडियन नेवी 2020 डबल SSR एंड डबल ए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आपका एग्जाम एंड होता है, उससे आपके करीबन 12 से 14 दिन के समथिंग आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट के आने की पूरी संभावना है कब, आपके 18 से लेकर 20 तारीख के बीच। कब? 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ रिजल्ट, लेकिन वो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके डाउट आ रहे हैं कि सर हमारा मेडिकल कब होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, आपका जो मेडिकल होता है, जस्ट आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है, देन उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका मेडिकल कंडक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर लगभग 45 से 50 दिन मिलते हैं। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी कर लें आपके फिजिकल की, ताकि आपको फिजिकल से वापस ना आना पड़े। क्योंकि आपको पता होगा करीबन 8000 आपके 8000 के करीबन यहां पर कैंडिडेट जाएंगे फिजिकल में। तो फ्रेंड्स आपके पूरे के पूरे सिलेक्ट होने से रहे, वहां से लौट कर भी आएंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप अभी बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू करें यदि आपके मार्क्स गुड हैं, अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आपके स्टेट वाइज कट ऑफ का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कर्नाटका की। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की। आखिरकार आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो कितना जाएगा आपका कट ऑफ। तो दोस्तों यदि आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो लास्ट ईयर का इसका कट ऑफ किया गया था करीबन 40 से अबव था। तो फ्रेंड्स आपका इस टाइम कितना जा सकता है कट ऑफ, आप वो देख लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप यहाँ पर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 39 से लेकर कितने, जी हाँ दोस्तों 25 के बीच। जी हाँ दोस्तों 39.25 के समथिंग यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 101% होने वाला है। पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपके अगले राज्य का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके स्टेट आंध्र प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके लास्ट ईयर का कट ऑफ यहाँ का करीबन 29 से अबव रहने वाला था, लेकिन दोस्तों आपका इस टाइम का क्या जाने वाला है आपका कट ऑफ, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं करीबन कितने, जी हाँ दोस्तों यदि आप स्कोर गेन कर रहे हैं 29 के समथिंग, जी हाँ दोस्तों यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल डन है, आपके इतने नंबर में सिलेक्शन डन है। आप अभी से बिल्कुल आपके फिजिकल की तैयारी करने लगे। जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिकल निकालना भी टफ है। तो दोस्तों ये तो आपका आंध्र प्रदेश का, आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट राज्य का।
हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि यदि आप यूपी या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपके यहाँ का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था। जी हाँ दोस्तों, आपकी यूपी का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 42 मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 42 नंबर। आप दोस्तों ये तो था लास्ट ईयर का कट ऑफ, लेकिन सर इस टाइम का कट ऑफ कितना जा सकता है प्रेजेंट टाइम का। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल ए में आपके यूपी से मार्क्स गेन करते हैं कितने। जी हाँ दोस्तों, आप लाते हैं करीबन 40.25 मार्क्स। इतने आप मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन हो जाता है। आपके इतने नंबर में आपका सिलेक्शन डन है दोस्तों। आपको पता होगा माइनस मार्किंग भी है, एंड इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि आपके यहाँ पर पेपर के डिफिकल्टी लेवल कितना था। जी हाँ दोस्तों, आपके मैथ्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आया है इस टाइम, तो आप बिल्कुल आशा ना करें कि इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप तैयारी में लग जाएं, आपके फिजिकल की जोरों से तैयारी करें ताकि आपको वहाँ से वापस ना आना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट राज्य का। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके अगले राज्य क्या, बिहार की। आई थिंक इसका डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब आ ही गया है तो बात कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें आपके बिहार का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था। जी हाँ दोस्तों, आपका गया था 40.25 के समथिंग आपके यहाँ का लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर और इस साल की अपेक्षा आपका कट ऑफ में बहुत ज्यादा ह्यूज अंतर आने वाला है, बड़ा अंतर आने वाला है। फ्रेंड्स इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स आपके यहाँ का इस बार का कट ऑफ रहने वाला है कितना, 38.25 के समथिंग। यदि दोस्तों आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बेझिझक होकर तैयारी करिए आपकी फिजिकल की, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से फिजिकल से लौटते हुए बच्चों को, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई ना कर पाए तो फ्रेंड्स फिर तो बेहद धिक्कार की बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिटर्न निकालना कठिन होता है। फिजिकल वगैरह तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, यदि आपकी तैयारी ठीक रहती है तो आप बिल्कुल आराम से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक यहाँ पे कितने स्टेट को कवर कर लिया? जी हाँ दोस्तों, हमने कवर किया है आपके केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, आपका त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, पंजाब, आपका झारखंड, आपका कर्नाटका एंड आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कोई स्टेट छूट रहा है हमसे तो आप कमेंट्स कर दें, हम उसका रिप्लाई अवश्य दे देंगे कि हाँ आपके यहाँ का इतना। फ्रेंड्स और भी आपका कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिए। यदि आपका पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। अब रही बात आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब आएगा? जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया है कि आप रिजल्ट की टेंशन ना लो, आपके फिजिकल की तैयारी करो। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल छोटे मोटे में मत लेना। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा बोलते हो कि हाँ आएगा तभी तैयारी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है फिजिकल से वापस आ जाते हैं बच्चे। तो आपका पेपर निकल गया है, मैंने जो जो मार्क्स बताए हैं यदि आपका इतने के अंदर आ रहा है तो तैयारी बिल्कुल अभी से कंटिन्यू कर दें आपके फिजिकल की। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 18 से 20 तारीख के समथिंग आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। देन इसके बाद बहुत से बहुत आपको 14 से 15 दिन मिलेंगे, बहुत से बहुत, और आपका यहाँ पर फिजिकल ले लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास कितना टाइम है आप खुद अनुमान लगाइए ना, आपके पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं, इसलिए फालतू में टाइम बर्बाद ना करें। हाँ जो जो कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर लें, मैं उसके रिप्लाई अवश्य दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है कमेंट्स बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, नीचे आपको होगा तो आप वहाँ पर कमेंट कर दें आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है ना। और जल्द से जल्द यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, करीबन 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आप लोगों को बाकायदा नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो जो कुछ रहेगा सारा मटेरियल हम आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जैसे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे हमारे तो हम आपको उसमें जोड़ देंगे और आपकी ईमेल आईडी ले लेंगे और आपको बाकायदा पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे फ्री। जी हाँ दोस्तों, फ्री, पैसे ऐसे की कोई बात नहीं है, पैसे हम नहीं लेंगे है ना। और आप लोगों को बाकायदा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे,
वीकली मंथली। ओके तो आप संतुष्ट हैं, तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।